उत्तराखंड लेक ऑफ स्केलेटन्स, चमोली की वो झील जहां मछली के बजाय तैरते हैं कंकाल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस जगह का रहस्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, रूपकुंड उत्तराखंड में लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर झील है। यहां बर्फ के पिघलने पर नीचे सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देते हैं। झीलाए का नजारा व्यक्ति को शांति और सुकून का एहसास कराता है। यही वजह है कि लोग छुट्टियों में ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां पहाड़ियों के बीच झील हो। जरा सोचिए, आप भी किसी सुंदर झील देखने गए हैं और आपको अचानक से यहां मछलियों की जगह नरकंकाल तैरते हुए दिख जाएं, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आप वहां से डर के भाग जाएंगे। हिमालय के रूपकुंड झील की कहानी भी कुछ ऐसी है। यहां एक अरसे से इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी है, इसलिए इसे कंकालों वाली झील भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कंकालों वाली झील का रहस्य। बर्फ पिघलने पर दिखाई देते हैं कंकाल। दोस्तों, रूपकुंड भारतीय राज्य उत्तराखंड में लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर झील है। जब बर्फ पिघलती है तो सैकड़ों मानव कंकाल पानी में या सतह के नीचे तैरते दिखाई देते हैं। झील की खोज पहली बार 1942 में एक गेम रिजर्व रेंजर ने की थी। शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया था कि यह अवशेष जापानी सैनिकों के थे जो इस क्षेत्र में घुस गए थे। अंग्रेजों ने तुरंत एक टीम को ये पता लगाने के लिए भेजा कि ये कंकाल किसके हैं। जांच करने पर ये पता चला कि लाशें जापानी सैनिकों की नहीं हो सकती, क्योंकि ये काफी पुरानी हो चुकी थी। तो आखिर क्या है इन कंकालाय की पूरी कहानी? दोस्तों, इसके पीछे कई कहानियां बताई जाती है। एक राजा रानी की कहानी सदियों पुरानी है। इस झील के पास एक नंदा देवी का मंदिर है। माना जाता है कि राजा रानी ने मंदिर के दर्शन के लिए पहाड़ चढ़ने का फैसला किया, लेकिन वो यहाँ अकेले न जाकर नौकर चाकर साथ ले गए। ये सब देखकर देवी को गुस्सा आया। उनका गुस्साहा बिजली बनकर उन सब पर ऐसा गिरा कि वे सभी मौत के मुंह में समा गए। लेकिन एक अन्य मान्यता के अनुसार इस झील के बारे में ये भी माना जाता है कि कंकाल उन लोगों के हैं जो किसी महामारी में एक साथ मारे गए, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सभी आर्मी वाले लोग हैं जो बर्फ के तूफान में फंस गए और मारे गए। बर्फीले पानी ने उनके शरीर को सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रखा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसी ही और जानकारी मिल सके।